दोस्तों दिव्या भारती हिंदी फिल्मों की दुनिया की एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही हिंदी फिल्मों की दुनिया में सफलता हासिल की। दिव्या भारती ने अपनी 19 साल की छोटी सी उम्र में वह कर दिखाया जिसको करने में लोगों की पूरी जिंदगी साल लग जाती है। दोस्तों उन्होंने अपने छोटे से करियर में कई बड़ी फिल्में की और उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। दिव्या भारती की कई फिल्में आज भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। अपने छोटे से फिल्मी करियर में कई बड़ी फिल्में करने वाली दिव्या भारती को 90s की दशक की सफलतम अभिनेत्रियों में रखा जाता है। दिव्या भारती की जिंदगी सिर्फ 19 साल की थी और 19 साल की उम्र में ही उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसकी वजह से आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। दोस्तों आज दिव्या भारती को इस दुनिया से गए हुए 30 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी वो अपने फिल्मों के माध्यम से लोगों के बीच जिंदा है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको दिव्या भारती की जिंदगी के बारे में विस्तार से बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल में ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों दिव्या भारती के प्रारंभिक जीवन के बारे में। दोस्तों दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश भारती और मां का नाम मीता भारती है। दिव्या भारती के पिता एक बीमा कंपनी में काम करते थे और उनकी मां हाउसवाइफ थी। मीता भारती प्रकाश भारती की दूसरी पत्नी है। दिव्या के पिता ने 2 शादियां की थी। दिव्या उनकी दूसरी पत्नी से हुई पहली संतान है। दिव्या भारती ने अपनी स्कूल की शुरुआत मानक जी कॉपर हाई स्कूल से की है। उन्होंने बचपन से ही पढ़ने लिखने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। स्कूल के दिनों से ही उन्होंने डांसिंग और एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। दिव्या को स्विमिंग करने का भी काफ़ी शौक था। दोस्तों वो बचपन से ही चीज़ों को लेकर काफ़ी क्यूरियस रहती थी। वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करना चाहती है और उन्हें कोई भी नया काम करने में काफ़ी मज़ा आता था। दिव्या अपने बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा चुलबुली और नटखट स्वभाव की थी। उनके इसी स्वभाव के कारण उनके परिवार के लोग उन्हें गुड़िया कहकर बुलाते थे। दिव्या ने बहुत कम उम्र में ही हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। दोस्तों आइए जानते हैं दिव्या भारती की फिल्मी करियर के बारे में। दोस्तों दिव्या भारती ने बहुत ही कम उम्र में ही मॉडलिंग की दुनिया में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। जब वो मॉडलिंग की दुनिया में आई तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी। दिव्या देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि बहुत कम उम्र में ही मॉडलिंग की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी। दोस्तों मॉडलिंग की दुनिया में सफल होने के बाद दिव्या भारती ने फिल्मों की दुनिया में आने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने 14 साल की उम्र में ही फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया था। काफ़ी बार रिजेक्ट होने के बाद दिव्या भारती फर्स्ट मूवी एज उन्होंने महज 16 साल की उम्र में पहली बार एक तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिल गया था। उनकी पहली फिल्म का नाम बॉबली राजा है। दोस्तों ये फिल्म 1990 में आई थी। अपनी पहली ही फिल्म में अपने अभिनय के दम पर उन्होंने साबित कर दिया था कि वो किस लेवल की अभिनेत्री है। दोस्तों इस फिल्म में काम करने के बाद उन्हें कुछ हिंदी फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने का मौका भी मिला, लेकिन इन फिल्मों में उनका रोल इतना छोटा होता था कि उन्हें इन फिल्मों में ठीक से अभिनय करने का मौका भी नहीं मिल पाता था। दोस्तों दिव्या भारती को हिंदी फिल्मों में पहला बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्होंने 1992 में आई फिल्म विश्वात्मा में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में दिव्या भारती के अपोजिट सनी देओल थे। विश्वात्मा 1992 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में पहली बार दिव्या भारती के टैलेंट को लोगों ने देखा। दोस्तों इस फिल्म में दिव्या भारती के ऊपर फिल्माया गया गाना सात समुंदर पार भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। इस फिल्म ने दिव्या भारती को हिंदी फिल्मों की दुनिया का स्टार बना दिया और उनके आगे हिंदी फिल्मों के ऑफर की लाइन लग गई। और दोस्तों बाद में उन्होंने शोला, शबनम, गीत, दीवाना जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 1992 में उनकी बैक टू बैक 10 फिल्में सफल रही। अपनी फिल्मों के दौरान उन्होंने शाहरुख खान, ऋषि कपूर अभिनेताओं के साथ काम किया। 1992 में उन्होंने अपनी फिल्म दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों आइए अब बात करते हैं दिव्या भारती के शादीशुदा जिंदगी के बारे में।
दोस्तों दिव्या भारती जब गोविंदा के साथ शोले और शबनम की शूटिंग कर रही थी, उसी दौरान उसकी मुलाकात फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला से हुई। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही साजिद और दिव्या एक दूसरे के करीब आए। दिव्या भारती को साजिद नाडियाडवाला काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। साजिद से मिलने के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने फैसला कर लिया कि वो साजिद से ही शादी करेंगी। दोस्तों दिव्या से मिलने से पहले ही साजिद की शादी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद साजिद को भी दिव्या काफ़ी पसंद आई। बाद में उन्होंने 10 मई 1992 में दिव्या भारती से शादी कर ली। लेकिन दोस्तों इन दोनों का धर्म अलग अलग था, इसलिए दिव्या भारती ने अपने पिता को नहीं बताया था कि वो साजिद से शादी करने वाली है। उनकी शादी में दिव्या घर वालों में से कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन बाद में जब दिव्या ने अपने पिता को अपनी शादी के बारे में बताया तो उन्होंने अपनी बेटी के इस फैसले को स्वीकार कर लिया। और दोस्तों बाद में अपनी शादी के बाद दिव्या ने अपना नाम भी बदल कर साना नाडियाडवाला रख लिया था। दिव्या और साजिद की इस शादी को एक साल भी पूरा होता इससे पहले ही दिव्या भारती की मौत हो गई। दोस्तों ये जानते हैं दिव्या भारती की आखिरी फिल्म कौन सी थी। दोस्तों दिव्या भारती का फिल्मी करियर सिर्फ 3 साल का था। दिव्या भारती ने इस 3 साल के दौरान उन्होंने 20 फिल्में की। उनकी आखिरी पूरी शूट हुई फिल्म का नाम है रंग। यह फिल्म 1993 में आई थी और इस फिल्म में उनके साथ कमल सदानंद ने काम किया था। और दोस्तों उनकी आखिरी फिल्म शतरंज थी, जिसमें उन्होंने जेकी श्रॉफ के साथ काम किया था। ये फिल्म उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। इसके अलावा कई ऐसी फिल्में थी जिसमें वो काम कर रही थी, लेकिन उनकी मौत हो जाने पर वो फिल्में अधूरे ही छूट गई। और दोस्तों ऐसी ही एक फिल्म थी जिसका नाम था लाडला। जब उसकी मौत हुई तो इस फिल्म को आधे से ज़्यादा शूट किया जा चुका था, लेकिन बाद में उनके रोल को श्रीदेवी के साथ रिप्लेस कर दिया गया। ऐसे ही कई फिल्में रही जिनमें वो काम कर रही थी, लेकिन उनकी मौत के बाद उनके रोल को दूसरी अभिनेत्रियों के साथ रिप्लेस किया गया। और दोस्तों दिव्या भारती की अधूरी फिल्मों में आंदोलन, कर्तव्य, मोह और विजय पथ जैसी फिल्में हैं। इन सभी फिल्मों को पूरा करने के बाद में किसी और अभिनेत्री को लाया गया। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि दिव्या भारती की मृत्यु कैसे हुई थी। दोस्तों अपने छोटे से फिल्मी करियर में बड़ी सफलताएं हासिल करने वाली दिव्या भारती बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चली गई। मुंबई की बरसोवा में जिस तुलसी अपार्टमेंट को दिव्या ने खरीदा था, दिव्या भारती का डेथ का रीज़न उसी तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से गिरकर 5 अप्रैल 1993 को उनकी मौत हो गई। दोस्तों जिस वक्त दिव्या भारती की मृत्यु हुई उस वक्त उनकी आयु महज 19 वर्ष की थी। वो सिर के बल गिरी, जिसके बाद उन्हें तुरंत कुबेर हॉस्पिटल में एडमिशन किया गया था। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ देर बाद ही हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया था। कुबेर हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स ने उनकी मौत का कारण ज़्यादा खून बहना बताया था। दोस्तों दिव्या भारती की मृत्यु को लेकर बाद में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। मीडिया उनकी मौत के बाद हत्या से लेकर आत्महत्या तक की खबरें चली। कुछ लोगों को ये भी लगा कि साजिद नाडियाडवाला के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के चलते दिव्या को टारगेट किया गया। और दोस्तों वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि दिव्या की शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी ख़राब चल रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करने लगी थी। इस वजह से शराब के नशे में उन्होंने आत्महत्या कर ली। फिलहाल दोस्तों बाद में मुंबई पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच की तो 1998 में उसने मीडिया को दी अपनी रिपोर्ट में सिर्फ यही कहा कि मौत का कारण सिर्फ छत से गिरना था। पुलिस को ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला जिसकी बिना पर यह कहा जा सके कि दिव्या ने आत्महत्या की थी या फिर किसी ने उसकी हत्या की थी। दोस्तों पुलिस ने जांच की और मौत का कारण आकस्मिक मौत बताया था, लेकिन उनकी मौत का असली कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। 7 अप्रैल 1993 को मुंबई के विले पोर्ले शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि दोस्तों सभी को दिव्या भारती की मौत की असली वजह पता चल सके।
और आप भी अगर दिव्या भारती को मिस करते हैं तो मिस यू दिव्या भारती कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।